क्या बात है मालिक साहब। हमारे मास्टर साहब बड़ी रंगीन मिजाजी तर्ज बजावत हैं। कौनो लड़का कौनो लड़की से कहत आजकल लड़कन की कुल पसंदीदा तर्ज बा कि पटाप में मस्त जवानी घूम के तोहपे आई। हाव भाव से लागे लुकी बारू बहुत भुखाई। टीप टाप में मस्त जवानी झूम के तोहपे आई। हाव भाव से लागे लुकी बारू बहुत भुखाई। मन कर भाली दिल जानी बना के मन कर भाली दिल जानी बना के कहीं खा मत गई हा दिलवा के कहीं खा मत गई हा दिलवा के बिरयानी बना के हो बिरयानी बना के कहीं खा मत गई हा दिलवा के अच्छा बाबू जी, हम भोजपुरी बिरहा गायक संतोष कमल साथियों की आवाज में जौनपुर से एक प्रेम प्रसंग लेकर बाबू जी उपस्थित हुआ हूँ। भीम एंटरटेनमेंट विशाल म्यूजिक के सौजन्य से विशाल भाई की देखरेख में यह गीत आप लोगों के बीच में जात हो। हमके आशा ना बल्कि पूर्ण विश्वास हो कि आप लोगों के पसंद आई। मास्टर साहब प्रेम हो का कवि जी चार लाइन भूमिका में भाव लिखलन। प्रेम है भावना प्रेम है साधना प्रेम वह कामना है जो प्रभु से मिलाए। प्रेम ही शक्ति है प्रेम ही भक्ति है प्रेम में वास प्रभु का है ईश्वर बताए। प्रेम परिभाषा है प्रेम अभिलाषा है। प्रेम कहते हैं होता समंदर से गहरा। प्रेम अनमोल है हर कलम कह रही। प्रेम पर ना चला है जमाने का पहरा। प्रेम वह पाक शब्द है। माँ से बेटे को भी बाबू जी प्रेम ही होता है। बहन से भाई के प्रेम होला। प्रेमी से प्रेमिका के प्रेम होला। पति से पत्नी के प्रेम होला। भक्त से भगवान के प्रेम होला। केहू केहू कहेला उमरिया के दोष बा कहके गईला सूरदासी नजरिए के। जवानी में जितना मर्जी पहरा डाल दिया जाए लेकिन प्रेम पर कभी पहरा नहीं पड़ सकता। यह काशी की कहानी है लेकिन कभी नहीं गीत में दोहे में भाव दिया।
वज्र मुकुट निकले है भ्रमण कम काशी राजकुमार उज्जैन संगम जा पहुंचे संग बचपन का यार काशी के राजकुमार वज्र मुकुट जिनका एक बचपन का लंगोटिया यार है जिसका नाम बुद्धिनाथ है। दोनों जने घूमे बदर निकल काशी से पहुंच गए उज्जैन। उज्जैन जब पहुंचला एक सरोवर पर एक दृश्य देखलन और गीत में एक लाइन गजल के टुकड़ा लगल फिल्म के नाम बत्ती गुल मीटर चालू। अब वही नई नई मार्केट में फिल्म आईल हो गाना के बड़ा शोहरत सम्मान मिलत हो। नुसरत फतेह अली खास साहब ने इस गीत को बाबूजी गाया और गाकर रुसवा हो गए। आज जब मार्केट में गीत आई तो लोगन बदे नई भइल हो कैसे मास्टर ओ जो आंखों से एक पल ना वो झल हुए ना वो झल हुए लापता हो गए देखते देखते सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे क्या से क्या हो गए देखते देखते लेकिन कवि जी गीत में बड़ा सुंदर भाव लिखलन वज्र मुकुट और लंगोटिया यार बुद्धिनाथ उज्जैन सरोवर पर पहुंचना ते को दृश्य देखल दृश्य हो का जैसे चलती माँ चल कर कोई अपसरा जाज कर ले गई देखते देखते आंखों के रास्ते दिल में घर कर गई आंखों के रास्ते दिल में घर कर गई ये नजर ले गई देखते देखते चलती मैं चल कर कोई अपसरा जाज कर ले गई देखते देखते आंखों के रास्ते दिल में घर कर गई आंखों के रास्ते दिल में घर कर गई ये नजर ले गई देखते देखते सरोवर पर पहुंचलन एगो ऐसा अनोखा दृश्य देखलन आँख खुलल के खुलल मुँह खुलल बा मछी आवत जात है तेरे चेहरे से नजर नहीं हटता नजारे हम क्या देखें देखिए बात नहीं हो रही है लेकिन नैन चार हो गई जब चार हो गई तो नजम में कहना है न
नैन के बान चलल दोनों जिगर घायल बा, नैन के बान चलल दोनों जिगर घायल बा, कोई समझ न पाया दोनों जिगर घायल बा। नैन के बान चलल दोनों ओरी लागल बा, नैन के बान चलल दोनों ओरी लागल बा, कोई समझ न सका दोनों जिगर घायल बा। राजकुमार आके यार से बताते हैं, राजकुमार आके यार से बताते हैं, चैन करार कैसे गया सब सुनाते हैं। बोला है यार मित्र ऐसे यूं घबराओ ना, जाते हुए कहा कुछ ये मुझे बताओ ना। फूल कानों से छू के छाती से लगाती है, फूल कानों से छू के छाती से लगाती है, दांत से काट करके पैर से दबाती है। सुना जब बात यार सुखल चेहरा खिल गई ने, तुम्हारे मर्ज की दवाई यार मिल गई ने। दंत का हाट, दंत काट की बेटी कर्नाटक में रहती है, नाम पद्मावती वह प्यार तुमसे करती है। ए बाबूजी, कहानी के पहले समझ ला आप लोग, काशी के राजकुमार वज्र मुकुट साथ में बचपन का यार बुद्धिनाथ, दोनों उज्जैन सरोवर पर पहुंचते हैं। एक सुंदर नारी को देखे मोहित हो गए, बात ना भइल लेकिन आंख के द्वारा नैन चार भइल। चैन वैन सब बाबूजी खो गया, सब कुछ लुट गया, राजकुमार प्रेम में पगला गई। वो हर जाके मित्र भोजन वोजन तैयार कैलस, दू थाली में भोजन परोसलस, राजकुमार पहुँचल, भोजन परोसल गई लेकिन खात ना हुआ, न कुछ बोलते हुआ, न केहू के देखते हुआ। मित्र पूछता है कि आखिर आपको हुआ क्या। वज्रमुकुट बोले कि मेरा सब कुछ लुट गया। बोला यार जैसे काशी से आए हो वैसे ही नो तो नजर आ रहे हो, क्या लुटा है। कहे मेरा चैन नींद सब कुछ लुट गया। आखिर केले गई कहने वह सरोवर वाली जो लड़की मिलल रहो, सब कुछ लेकर चली गई। बोले कुछ कहा, कहन मैंने देखा उसने देखा लेकिन कोई बात नहीं कहा। बोले कोई इशारा, कहने एक इशारा तो उसने किया था। बोले क्या इशारा। बोले कान के पास से जूरे से एक फूल निकाली और लगाने के बाद छाती से लगाया और दांत से काट करके पैर के नीचे कुचल दिया। कहे मर्दवा पगलाइल बाड़ा, पूरा बायोडाटा देके गईल हा, और तू कहा था कि कुछ बता के ना गईल हा। कहन कैसे आप बता सकते हैं उसका नाम परिचय किस राज्य की रहने वाले। कहे बिल्कुल बताऊंगा। कहन भूल का जो प्रतीक है वो प्रेम, वो आपसे प्रेम करती है। दांत से जमन कटलस कहने दंत काट राजा के बिटिया है, कहे जमन कनवा के लगे छुअलस कहने कर्नाटक रहे वाली है।
तो कहीन बतावा जे प्रेम करल भूल काट के पैर के तरे दबावल कहीन उसका नाम पद्मावती कहीन जब इतना एड्रेस मिल गई तो चले के तैयारी बनावा दोनों जने भैया भेष बदल के पहुंच गई ले दंत काट राजा कर्नाटक नगरी में खोजते खोजते एक बुढ़िया का मकान पाए जो बुढ़िया कभी राजा के यहाँ काम करती थी। भेष बदल के व्यापारी रूप में जाके कहलन कि माई कुछ दिन रहे थे व्यापार के सिलसिला में आई रही काम पूरा हो जाई चल जाई और जवन भी आपके किराया होई रहे के खर्च होई हम वाहन करब। बुढ़िया डर बस के लालच बस मान लेलस कि ठीक है बचवा लड़का बड़ा सभ्य लौकत हवा रहा बेटवा कोनो बात ना अपने घर समझा रहने लगे। कुछ समय व्यतीत हुआ और ये समय व्यतीत हुआ बाबूजी तो देखिए एक दिन की बात है मुहलक हो गए बुढ़िया से राजकुमार और बुद्धिनाथ असली भेष में आ गए। जब असली भेष में आइलन तो कहलन का कहले लाइन तरज हो देखा विशाल भैया आजकल एक सरवा रिवाज चल गई हो बढ़े वाली लड़की कुल जाली ना तो ओढ़नी से मुहा बांध लेने खाली अखिया लौकल कौनो लड़का से लड़की के प्रेम रहल और ओढ़नी बांध के आई ममा समझ ना पैल दूसरी लड़की के चक्कर में कुछ कर देना बोल चाल बंद हो गई। बड़ा लड़का तड़फत हो एक दिन फोन लगा के प्रयास कैले बाकी बतियाई फोन उठल जब उठल तो लड़िका कहत का बा बड़ा मान करता ये रन करई के भेष आई हा कॉलेज सवेर तोहर करब हम वेट जवन भाई न रहल गलती न फेर हो मुहवा बोढ़नी से बानी के नई हाय जान ना कछी नहीं मिले तो हो यही भाव में वज्र मुकुट के साथ जवन बुद्धिनाथ मित्र हो बुद्धिमान व्यक्ति बा कहल बुढ़िया से बोला बचपन के यार बात सुना मामा नहीं मिली है कुमारी मर राजी कुमार माइन के मिला दयन कर यार माँ पूरा दहम से बड़ा यह साल हो असलियत कभी सुरेंद्र भाई छुपती नहीं है आखिर काल असली भेष में आइए गई और बुद्धिमान व्यक्ति बुद्धिनाथ बोलता है कि माँ हम व्यापारी नहीं हैं ये काशी के राजकुमार वज्र मुकुट हैं और हम इनके लंगोटिया यार बुद्धिनाथ। तब तो बुढ़िया के पारा गरम भई भैया उठा लेला सोटी तो ममा यह काहे बदे चली आई लम कहले माई गलती माफ किया झूठ बोलली ये हमारे भैया वज्र मुकुट राजकुमार जी के प्रेम तोहरे राजा दंत काट के बिटिया पद्मावती सो गई
अगर ना मिली तेनकर जिंदगी चल जाए। तो बुढ़िया कहलत के हमें हम का करो, पहले माई आप कुछ कह सके लो, एक संदेश हो ये पहुंचा दबस, खाली पहुंचा के चिट्ठिया दे दिया और बता दिया कि जवन पोखरा पर राजकुमार मिलल रहल उससे मिले बदे नगरी में आ गई। बुढ़िया डर बस लालच बस हम यहाँ लेलस की लड़का ठीक बुझात बाड़ा बेटवा, अगर सच्चा प्रेम करता है तो मिलाने का काम मैं करूंगी। पाती लिखा के चली बूढ़िया बेचारी, पहुंची है जहां रहली राजकुमारी, पत्र पढ़ा जही बार दिया थप्पड़ से मार, भाग खिड़की तो जावे तबार होई हो, माइन के मिला गयन करियर माँ पूरा दहन से बड़ा यह सान होई हो, आखिरकार में चिट्ठी बुद्धि नाथ लिखलस और चिट्ठी के लिफाफा बंद करके बुढ़िया के थमौलस ले जाके माई पद्मावती के दे दिया। पद्मावती के पास बुढ़िया पहुंचल चिट्ठी देलस और बतौलस कि जो राजकुमार उज्जैन सरोवर पर मिला था वो आपसे मिलने के लिए आ गया है। पत्र खोलती है राजकुमारी और पढ़ती है, पढ़ के एक हाथ में दाहिने हाथ में बढ़िया से कालिख पोत के अब बुढ़िया के गाले पे जुमा के तमाचा मर ली, एकदम पांचों अंगुरी उपटी आई, कहीं कौनी से अली कहीं दरवाजा से मेन डोर से कहीं खिड़की से भाग जाओ दोबारा नजर नहीं आना। बुढ़िया सोटी समर ले दहिजार के नाती हमके बुढ़ाई बेर बतावा मरवावा तड़म, जवन बिटिया माई कहत रहल आज वो हमके थप्पड़ से मरले था, आज इनकर हम मेहमानी गत के करब, अब पहुंच गई घरे का उठ और जल्दी एकदम तुरंत बढ़िया बिस्तर बाण भाग रे, नहीं इतना सोटा मारब इतना सोटा मारब कि तोर बत्तीसी गायब हो जाए। हाथ जोड़ के बज मुकुट खड़ा भइल बतावत रहली भैया के हो बढ़िया मनई के भेजा बुढ़िया जान लग कुल काम एकदम गड़बड़ कर दे। तो आज वह बुद्धिनाथ पूछता आखिर माँ हुआ क्या, क्यों इतना आप हम लोगों पर बाबूजी बिगड़ रही हैं? तब बुढ़िया बतावत था कि तो आर मामा चिट्ठी लेके गई नहीं है, चिट्ठी पढ़ल देखा था वह गाल पे जबन चाचा मरले हो वहीं तक ही जाग ने पाचा उंगली एकदम छपल हो चक्कर आवत पहले गईल वहीं पानी में। बज्र मुकुट की बात सुनकर बुद्धिनाथ बोलते हैं भैया तोरे चिट्ठी के जवाब है, जा मर्दवा अरे चिट्ठी के जवाब लिख के मिला ला बतावा, ये मार के चिट्ठी के जवाब बतावा था हुआ कनक साच कहते ही तोरे चिट्ठी के जवाब है। देखिए बात नहीं हो रही लेकिन लोग पहुंच भी गए, संदेश भी गया और संदेश आ भी गया। कहन कैसे कहीं इशारा बा कि वही अजोरिया पाक चला था अनियरिया लाई पंचमी की रात की 12 बजे चलिए यहाँ तुहार इंतजार करो, ये तोहरे चिट्ठी के जवाब। इतनी बात सुनकर वज्र मुकुट खुशी झूम उठा, अब बुढ़िया को बहुत सारा धन दौलत दिलन, कहले माई जान लग सार्थक हो गई जिंदगी हमारी यहाँ आई लेके। तो आज बुढ़िया बाबूजी संदेश को दिया और अब आगे हरव लगल बाग हरव लगल हो, आखिर मिलन कब और कैसे हो, विराह में तर्ज बदलल मालिक।
वही गीत के लाइन पर कौनो दुलहिन के दुलाहा तय भाई पियक्कड़ मिल गई शराबी आ रात के 9 बजे वो एकदम पूरा पैक लगा के आई घरे दुलहनिया सुतल बिया कि मम्मा आई है अपने निकरी है अपने खाई है नशा में धोता है डाल उठने का मंगता है दुल्हन बड़ा परेशान मुहना बड़ा नशा में हो कहीं दो चार यहाँ पर इस तरह न जमा दे तो प्रेम से फुसिलावत हो आधी रात के अइले बलम जिया के मूड बना ले चढ़ल जवानी के कुइया में छपते डुबकी लगल आधी रात के अइले बलम जिया कर मूड बनल चढ़ल जवानी के कुइया में छपते डुबकी लगाला देखा उठे लाल हरिया पोरे पोर राजा उठे लाल हरिया पोरे पोर कोरवा में लेला राजा जी उठे लाल हरिया भाव जी कवि जी लिखलन प्रेम प्रसंग से जब पे कामिन जो है सजन के मनवा बाब कर ए प्रियतम कब तक तड़पई बाले के चैन कर अरे जिया से जब काम जो है सजन के मनवा बाप कर हे प्रियतम कब तक तल पैबाल के चैन कर मनवा भैले बेकरार राजा मनवा भैले बेकरार रहिया निहारे बारी बार इंतजार के घड़ी बड़ी मुश्किल से कटल आगे हरव लगल बा आगो हरव लगल हो कब मिलन होई रही रही के तिहार जाला गठल बदनवा भरे अंगराई दूनो मातल यो बनवा भरे अंगराई दूनो तब मिली है जब होई दीदार नैना के चैना तब मिली है जब होई दीदार मनवा भैले बेकरार राजा मनवा भैले बेकरार रहिया निहारे बार बार
दोनों तरफ है इंतजार बाकी अंधेरिया पंचमी कब है कब मिलन है बेचैनी छाई हुई है खिड़की से भीतर ही गई ना खिड़की से भीतर ही गई ना राजकुमार आई चंदा के देख के चोरी शर्माई दोनों के मुख बन नहीं बस नैन करे दोनों के दुख बन नहीं बस नैन करे जहाला मदनवा बार बार राजा मनवा भैने बेकरार रहिया निहार बार बार आखिरकार अनहेरिया के पंचमी दिन आइए गई फुल तैयारी बना के वज्र मुकुट खिड़की से 12:30 बजे पहुंचे हैं पद्मावती के पास दोनों आमने सामने खड़े हैं बात नहीं हो रही है लेकिन नैनो से बाबूजी दिल की बात हो रही है आखिरकार पद्मावती सोचलस कि हमारे घरे आयल बने हमार मेहमान बने बोलिए जनाब बैठिए बैठिए आप और बाबूजी नहीं बैठे प्रेम की बात है चेहरे से नजर नहीं हट रही कवि को लिखना पड़ा विरह शैली में कि अरे फिजाऊं में मकरंद घुल गया फिजाओ में मकरंद हो फिजाओ में मकरंद घुल गया सरिता सिमट गई है सागर की बाहों में आज दोनों जने आलिंगन कैल आलिंगन कैल कवि जी की छंद में लिखे पड़ल हटिगा शरम हया के पर्दा दुन हो गई है बेपर्दा गर्दा हवस्क दोनों के सर पे सवार भइले बछते बछत थल टकराया नैनो में है नैन समाया पाया प्रेम पवन सब दोनों या सवार भइले सारा बिखर गई सिंगार सितरा इन कजरा के धार प्यार परवान चढ़ा तब तुद बुद बिसारी गई मैं बनके पदरी बादल छाया बनके पदरी बादल छाया जैसे मघा मेघ मझाया टूट गया बाद शांत भई लहर स्वप्न साकार भई मैं आज दोनों जने एक हो गए धरती आकाश को साक्षी मानकर कि ब्याह हो तो से मैं अपना सब कुछ तुझे अर्पण करती हूँ राजकुमार भी कहले कि ब्याह हो तो से धरती आकाश को साक्षी मानकर मैं सब कुछ आपको अर्पण करता हूँ आज पति पत्नी का बाबूजी रिश्ता है उसे कायम करते हैं जब कायम करते हैं समय व्यतीत भइल कुछ दिन बीतल दिन में छुपा के रखत हो साथ में
बाबूजी साथ में प्रेम करती है। समय व्यतीत भइल। एक दिन राजकुमारी और बजमकुट एक ही बाबूजी सैया पे लेटर रहलन। तो राजकुमारी बजमकुट से कहत हो का कहत एक लाइन तरज है। बड़ी रंगीन तर्ज हो। महुअनियन मद मातल महुअनियन मद मातल गोरिया नैन तुहार हो। महुअनियन मद मातल पोरे पोरे खिलल बा खिल के भइल कचनार हो। पोरे पोरे खिलल बा खिल के भइल कचनार। पोरे पोरे खिलल बा खिल के भइल कचनार। चललु डहरिया लचके कमरिया कमान हो। चललु डहरिया लचके कमरिया कमान तोलहना भैलू सयान। ए जान तोहे देखी एक डोला कैमान तोलहना आज राजकुमारी राजकुमार से कहत हई। राजकुमारी कहली राजकुमारी कहली सुनिला बलम हमार। ई मन में एगो दुविधा दूर करा सरकार। कब तक होई ऐसन कब तक होई ऐसन मिलन हमार। कब भरी से नूरा लीलर हे यार बोला कब लई बटोलिया कहार। कब भरी से नूरा लीलर हे यार बोला कब लई बटोलिया कहार। राजकुमारी कहते हैं कि आखिरकार यह मिलन कब तक चलता रहेगा। मुझे सामाजिक रिश्ता चाहिए। मेरे मांग में सिंदूर डालकर दुल्हन बनाकर आप यहाँ से ले चले। कब तक मैं आपको छिपा कर मिलती रहूंगी। तो राजकुमार कहलन धीरे धरा हम कौन धीर धरा हम कौन योजना बनाई बहुत डोली में बिठा के चलब साथ में। डोली में बिठा के चलब साथ में डोली में बिठा के चलब साथ में। हमारे नाम के मेहंदी लागी धीर धरा हम कौन योजना बनाई बहुत डोली में बिठा के चलब साथ में। हमारे नामक मेहंदी लागी हमारे नामक मेहंदी लागी पोर पोर गहना साजी चूड़ी कगनवा गोरे हाथ में। चूड़ी
जोड़ी हमार देखी सारा संसार हो, जोड़ी हमार देखी सारा संसार, कब भरी से नूरा लीलार, हे यार बोला कब लई बटोली या सहार, कब भरी राजकुमार वज्र मुकुट कहलन आए प्रिय संतोष का फल बड़ा मीठा होता है। मैंने धरती आकाश को साक्षी माना है, अगर पत्नी बनाऊंगा तो तुम्हें बनाऊंगा, अन्यथा मैं कुंवारा रह जाऊंगा। तो थोड़ा सा आप संतोष करें, मैं अवश्य तुझे डोली में बिठा कर ले जाऊंगा, तेरे मांग में सिंदूर भरूंगा। आखिरकार वो दुल्हन जोन वही ना भइल हो, होखे वाली बा, पूछो तो कब होई, तो बिरा में कलाइन तर्ज लगल। देखा बड़ा रशिया ई गीत बजा के पूरा मिजाज हरियर कर दिल, कोनो लड़का कोनो लड़की के श्रृंगार के वर्णन करत है। आखिया के निरखी रे कजरा विद्यकार तोरू हो, आखिरकार लड़की कुछ बात पूछल, सवाल कैलस कि तोहरे बुद्धि के हम दांत देत है, मैंने कोई एड्रेस नहीं बताया, आपसे बात तक नहीं हुई, आखिर आप यहाँ तक पहुंचे कैसे? तो राजकुमार वज्र मुकुट कहने कि हूँ के पीछे एक राज हो, राज का बात बतिया के कुमार है बोले मित्र हमारी विद्वान हो, हमारा भाई लबमिलान हो, राजकुमार वज्र मुकुट कहले अगर पीछे राज हो, हमके आपके मिलावे वाला के और हो, तब तो राजकुमारी आश्चर्यचकित में पड़ी गई नहीं कि हमारे इनके सिवा के और हो, आखिर हाओ के कहन हमारे बचपन के लंगोटिया यार हमार मित्र बुद्धिनाथ, आपके इशारे को वही बताया, आपके पत्र का जवाब भी वही बताया, तो राजकुमारी के मन में आयिल हो तीर के और चलावत हो, तो कहते हैं कि राजकुमार मेरे हृदय के अंदर एक इच्छा बन रही है, उसे आपको पूर्ण करना होगा, कहन बोलिए प्रिय। राजकुमारी कहे भोजन लेके जाइहा,
श्रीमान हो। हमारो भाई लबा मिलान हो। आज राजकुमारी पद्मावती देवी कहली कि आपका मित्र अगर हमारे आपके लिए इतना बड़ी कुर्बानी दे दी, मिलाने का काम किया, तो हमारे हृदय में इच्छा बनत हो अपने हाथे से 56 प्रकार के व्यंजन बनाई और ले जाके आप अपने हाथे से अपने मित्र के खिए, भोजन बना कर दिया और मित्र हफ्ता के बाद लौटल भैया प्रेम लीला कर। मित्र से मिलना कहे का हो आज याद आई तुहार, यह मित्रता बा। तोने भैया समय कैसे बीत गई सर्वा पता न चल। कहन राजकुमारी आपके लिए 56 प्रकार का भोजन भेजी है अपने हाथों से बनाकर। कहन क्यों? कहे मैंने बता दिया कि सब कुछ करता धरता आप हैं। कहे यही तो आपने गलती कर दिया, नहीं बताना था। कहन काहे? कहन अब क्या बताऊं? कहन भैया भोजन खा ला ए एक कवर हमारे हाथों की हमारे मेहरारू हमारे दुल्हन की इच्छा। कहन इस भोजन में जहर है। कहन हरगिज हो नहीं सकता। कहन मैं कह रहा हूँ जहर है। कहन मैं मान नहीं सकता जो पद्मावती मुझसे इतना प्रेम करती है, एक मुलाकात में इतना कुछ बता दिया और आपके द्वारा हम यहाँ तक पहुँचे, वो आपको जहर क्यों देगी? कहन अगर नहीं विश्वास है तो एक लड्डू है, एक कुत्ते को फेंक कर देख लीजिए। और लड्डू उठा के फेंकना जब कुत्ता के पास में, कुत्ता खाइल तो जय सीता राम हो गई। कहना देखला तब तो दिल में चोट लगल भैया, अवाक हो गए। बोले मैं हरगिज शरामी से मिलने नहीं जाऊंगा। लेकिन बुद्धिनाथ बचपन के मित्र कहने कि ना भैया, अगर इतना हम मेहनत कैली तो बिला दुल्हन ले अइले हम जाब न, जइबा मिले लेकिन जैसे हम कहब वैसे जाए के पड़े। बिरह में फर्ज बदलल, विशाल भैया ये हिंदुस्तान ऐसा है जिसमें तमाम ऋतुओं का आनंद मिलता है, सब ऋतुओं का। गर्मी आ जाला लोग परेशान, हाय रे गर्मी बड़ा मारत है। ठंडी आ जाला, हाय रे ठंडी बड़ा जड़ात है। बरसात आ जाला सब मनई परेशान, भगवान कितना बरसत बाण है। यार बतिया गर्मी के है, कोनो दुल्हन अपने दूल्हा से कौन नायिका अपने नायक से कहत हो कि बड़ी गर्मी पड़त हो। बहुत बड़ी फिल्म में गीत गाया गया बड़े अंदाज में, लगाता बड़ी गर्मी तू कूल करा हो, बनाना सेवा खाई तू भूल करा हो, लगाता बड़ी गर्मी तू भूल करा हो, बनाना सेवा खाई तू भूल करा हो, हट जल सत जा तू सीना से, हट जल सत जा तू सीना से, भरी जाता ढोड़ी, भरी जाता ढोड़ी मोर पर सीना से, भरी जाता ढोड़ी मोर पर सीना से।
आज वज्र मुकुट बड़ा चिंतित बाड़न, जहर वाली बात से जिस रानी को मैंने तना प्रेम किया वही मेरे मित्र के साथ धोखा किया। तब मित्र बुद्धिनाथ कहलन, न मनावा के अपने या धीर करा हो, जिया में तनी भैया हो धीर धरा हो, न मनावा के अपने या धीर करा हो, जिया में तनी भैया हो धीर धरा हो, मिले जब जई है अब की बारी हो, मिले जब जई है अब की बारी हो, लईहा कुल गहना गहना कुली हाउ तारी हो, गहना कुली हाउ तारी हो, दहिने जंघा पतिर तुल घायल तड़पेली राजी कुमारी, बात समझत महाराज को न भारी हो, बात समझत महाराज को न भारी हो, लिहा कुल गहना गहना कुली हाँ सारी हो, गहना कुली हाँ वज्र मुकुट का मित्र बुद्धिनाथ कहता है, आप जाएंगे अवश्य जाएंगे, लेकिन जैसे मैं कहूंगा वैसे करना होगा। बोले ठीक है भैया, क्या करना होगा बताइए, आपके लिए जाऊंगा, अन्यथा मैं उस हराम खोर से मिलने कदापि नहीं जाऊंगा। बोले क्या करना है, बोले आप जाएंगे प्रेम करेंगे और पद्मावती के शरीर का पूरा गहना उतार कर एक पोटली बना लेना और एक छोट के त्रिशूल दे लो, कहने ही त्रिशूल से दहिने जंघा पे मार के खींच लिया निशान बन जाएगा, और गहना लेकर कम तुम मेरे पास आना। कहन आप कहां मिलेंगे, कहन मैं एक सन्यासी योगी का भेष धारण करके शमशान घाट। देखिए बुद्धि का कमाल है, एनु बिरहा के अगर दिल दिमाग से सुन बात जरूर कुछ सीख मिली। बिरहा में आखिरी तर्ज लगल बड़ी मिजाजी तर्ज हो, रिकॉर्डिस्ट भाई एक दुल्हन है जो पति से बहुत प्रेम करती है, और हमारे देहात के जवन माटी बा तो बड़ी गजब के बा, यहाँ के खान पान हवा बड़ा शुद्ध हो, प्रदेश में लोग जमीन को तरस जाते हैं पांव रखने के लिए। बंबई गईलन पहाड़े पे कमरा लेके पियरा गईलन और वापस आके दुल्हनिया मोट मोट मकाई के रोटी अब गई भैंसी के दूध दूह के बाबूजी खियावत पियावत है, पूरा एकदम हरियरा के भेजल फिर अलना फिर दुबरा गई। दुल्हन सोचल से इतना खियावत है लेकिन मोटाए के बजाय पतरा था, कहीं चक्कर तो ना चलावत है, तो वह कहे कि पिया वो दूबर भैला हो, कि पिया वो दूबर भैला हो, सवतिया के चक्कर में पिया वो दूबर भैला हो, सवतिया के चक्कर में पिया वो दूबर भैला हो।
श्रद्धा का तमाम प्रमाण है। भगवान मुरली मनोहर घनश्याम और सुदामा जी की मित्रता ये बाबू जी प्रमाण है, उदाहरण है। लेकिन दूसर का मित्र देखा ही कलयुग में पैदा भईल काशी नगरी में। आज मित्र के लिए बाबूजी क्या क्या बन जा रहे हैं कि मितवा जोगी भईले हो, कि मितवा जोगी भईले हो, चेला बना प्रेम का रोगी। मितवा जोगी भईले हो, राजकुमार वज्रम कुटकुल वैसे कैल जैसन मित्र बतौल। गहना उतार लिए पद्मावती कहने एक एक करबा कहने सर्वा बड़ा कुल गड़बड़ कर एक उतार के रखा पटोरी बना के रखल और त्रिशूल छुपा के इतना बड़ा त्रिशूल है ओके लेके दहनी जांग मार के खींच दिलन। राजकुमारी असहाय पीड़ा में तड़प रही गहना लेके फरार भैल पहुंच गए शमशान घाट में जहाँ मित्र योगी बना है। एकदम बाबूजी ढोलमी रमा कर शमशान घाट में बैठा है। कहने भैया हम आ गई गहनवा के करे के का बात, कहने इस गहने को ले जाकर वहीं बेचना जहाँ से बना है। कहन अगर के पकड़ ले तो कहन हमार नाम बता दिया, कहन तब कहन आगे हम देख ले, खाली तू जाके पकड़ा जो गहना बेच दा। गहना ले जाके बाजार में बेच दिया है चेला हो, बेच दिया है चेला। गहना ले जाके बाजार में बेच दिया है चेला हो, बेच दिया है चेला। तपेती तपेती राजा सन्मुख होगी, मितवा जोगी भईले हो, पहुंच गईले दंत काट राजा के नगरी में। अब कुल सोनार के दुकानी पे जाके गहना बेचे बदे बाबूजी पहुंचल हैं। जबन हल्लुक सोनार बने देख के चकित हो जात बने तो राजा महाराजा के गहना भैया हम ना खरीदते जा। सबसे ये बतिया कहे भैया घरे में कुछ विपत आन पड़ी बा, गहनवा लेला कुछ रुपया दे दा, बड़ी जरूरत हो। सबने जवाब दे दिया। आखिरकार वहां पहुंचते हैं जहां से गहना बना है। वह सोनार जब देखा वही मार्का वही मोहर वही कारीगरी, बोला भाई साहब गाना कहाँ से मिला? कहे भैया हमारे। अरे मर्दवाई गाना हमारे, मेरे घर में विपत्त आन पड़ी है, इस गहने को ले लो और जो मूल्य बनता है मुझे दे दो। कहें ठीक है लाइए, आप बैठिए मैं पहले इसको परखूंगा यह नकली है कैसे। ले गई भीतर, आज भीतर ले गई तो दू जने के भेज दे दंत काट राजा के यहाँ कि पद्मावती देवी का जो चोर गहना चुराया है मेरे दुकान पर बैठा है। चार सिपाही पहुंचला, दो सिपाही यहाँ से दो सिपाही यहाँ से पकड़ के पखुरा टांग ले गई राजा दंत काट के राज दरबार में। कहने महाराज सर्वा चोरी है, एक सजा मिले के चाहिए। तो आज दंत काट राजा के जब दरबार लगा बोले गहना कहाँ से मिला? कहन हमारे गुरु जी दे। कहन तेरे गुरु कौन है? कहन वो शमशान घाट में मिले हैं, वो शमशान घाट पर मिलेंगे।
चार सिपाही शमशान घाट पहुंचल लेके बाबूजी बल्लम तलवार दू जने हर्ष पखुरा दू जने हर्ष पखुरा वो साधने बाड़ा वही साधना के बाबूजी अवस्था में लिया के राज दरबार में प्रस्तुत कर दिलन राजा बोला के आ योगी आ सन्यासी एक गहना तुझे कहां से मिला कहे महाराज बताऊंगा बड़ी दुख की बात है एक दिन की बात है और एक घटना घटी वो घटना घटी क्या पपट के लाइन कि अरे जोगी बोलम राजा एक बचनिया राजा माना हम अरे जोगी बोलम राजा एक बचनिया राजा माना हो आधी रात के आई एक डैनिया राजा माना हो एक दिन के महाराज बात हो कम साधना मिलीन 12:30 बजे रात के ठिठाई प्रवेश कैले हमारे साधना में भंग डल तो हम सब सन्यासी मनई एक के हथियार है त्रिशूल क्या हम त्रिशूल उठौली वो हमारे ऊपर वार कैलस तो भइल का अरे दाई जांघ पे त्रिशूल से हमने उसको मारा हम घायल हो गई जब डाई तब गहना कुलई उतारा हो अरे न्याय कराय जिस हुई चरनिया राजा माना हो दाइन के पकड़ के करा जतनिया राजा माना हो मेरे जान पर बन आई मैंने उठा लिया त्रिशूल और उसके ऊपर वार कर दिया उसकी दाहिनी जांग पर मैंने त्रिशूल से मारा है अगर नहीं विश्वास होता है तो आप देख सकते हैं तब तो राजा साहेब के हवाई का आए हम राजा तिल मिलाकर बोलते हैं जोगी तू क्या कर रहे हैं महाराज सत्य कहते हैं ना विश्वास हो तो देख लो अब आप जैसे धर्मात्मा राजा के राज में अगर डाइन चुड़ैल टहरी थी हम तो सोचते ही बढ़िया बात ना राजा बोले कि अगर यह बात तेरी सत्य निकली तो ठीक है अगर नहीं निकली तुझे जिंदा सूली पर चढ़ा दूंगा कहन मंजूर बा आल्हा तब अपन हैरानी के बोलवला अरे साधु के बतिया के कैलाई जहारी अरे साधु के बतिया के कैलाई जहारी रानी जब देख जाके बेटी के महलिया जांघ पर निशान देख सोच मन मार जीतिया हमार कैसे बनी गई गैनिया कोई का हमारी अब बतावा कर सारी राजा कहे बाबा जी बतावा का होई बाबा जी कहले मन सोच के विचार गौतम्भर बेटी गारा राजा द्रोह कैले
राजा निकाला सही डंडा सरकार, डोली में बिठा के राजा भेज दिए बन का, रहिया में जो हतरा है बैठी तो नारी। अरे राजकुमार तब देख के अचंभित, मंद मंद मुस्काए राजकुमार बोला, राजा जी धीरे से रानी के बोला, कहले यहाँ आवा तो अली, कहने कान एहर करा, राज दरबार लगल बा कान एहर, कहने कान में कल से कहने जा के देखा बिटिया के दहिने जांग पे त्रिशूल के निशान हाओ कि ना। रानी गईली बिटिया के महल में, कहे बेटी पद्मावती दरा, बिटिया उठल त्रिशूल लगल हो लंगड़ा, तब तो कहे बिटिया तोरे पैर में का भइल, कहले माता जी के मोच आ गई रात में, कहले कि बिटिया ते अपन दहिना जंघा दिखावा, एक मतारी अगर सयान बिटिया से ऐसन बात कही तो बिटिया के कैसा लगी, वो ओकरे त्रिशूल लगल हो, आश्चर्यचकित हो गई, बोली माँ क्या कह रही है। बोले नहीं बेटी, आज आपको दाहिनी जांघ दिखाना पड़ेगा। जबरन बाबूजी दाहिनी जांघ खुलवा कर देखा तो त्रिशूल का निशान, कपारे हाथ धदरने के, हे भगवान राजा इंसाने बने, हम हूँ इंसाने बनी, बिटिया डाइन कहाँ से पैदा हो गई, हे विधाता का हुई हमारी, हमारे राज के का हुई। जाके राजा के कनवा में कहने कहा, जो बबुआ बतिया कहा था ठीक है कहा था। आज राजा दंत काट कहता है, या जोगी बात पर्दे में, कहीं बात पर्दे में हो महाराज, कहीं अगर कोई घर का सदस्य हो, ब्राह्मण हो, गऊ हो, तो उसके लिए क्या दंड होना चाहिए। कहीं महाराज हमारे नियमानुसार अगर घरे के केहू हो या ब्राह्मण हो या गऊ हो या ईशन अगर गलती करे या इस रूप डाइन रूप में है तो उसे राज से निकाल देना चाहिए। कहन जोगी ऐसा ही होगा, चार कहान को बुलाए और बेटी को बाबूजी डोली में बिठाकर अपने राज से बाहर कर दिए। आज जब डोली लेके कहार चललाम तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ा भइले, कहले महाराज हम अहू सब अब चलबे करो, बस काम हो गई। तो आज राजा बड़ा धन दौलत देकर विदा किए, जहां दंत काट राजा का बाबू सीमा समाप्त होता है वहीं पर दोनों खड़े हैं और दोनों के सामने डोली आकर रुकती है और डोली से वह लड़की रोती हुई निकलती है। लेकिन जब राजकुमार के देख लो तब तो जर के अंगार हो गई, इन्हीं निमहुर गाड़ा के चलते हमारी हाल भइल, तो के आज जियत न छोड़ो, कहे खबरदार तूने मेरे मित्र के साथ धोखा किया, जिसका परिणाम यह है। क्यों मारना चाहा? तब राजकुमार का मित्र कहता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, इसको पता चल गया था जब तक ये बुद्धिमान व्यक्ति इसके पास है, जिंदा है, तब तक यह राजकुमार मेरे बस में आने वाला नहीं है, बस इसीलिए मारना चाहा। तो कहे अब का होई? तो कहे अब हमके पति माना और दुल्हन बन जे चला काशी, कहले कि ना जाइब, कहले कि नैहर खत्म है, पद मिलल डाइन को तो के मुआ दिया मार मार के, यही बते आगे कुआं पीछे खाई बा, यही तोहार भलाई बा कि दुल्हा माल गंदर विवाह करके चल चला काशी, तोहार सम्मान बचल रही, जब रजवा के पता चली तो नैहर बन जाए। सच्चा प्रेम करता हूं मैंने शपथ लिया है आकाश और धरती को बाबूजी, साक्षी मानकर मैं विवाह करूंगा तुमसे। प्रेम तो हुक ब खाली मामला है, हरे फोड़ के गड़बड़ भी। दोनों गंधर्व विवाह करते हैं और काशी की तरफ चलते हैं तो कवि ने आखिरी प्रमाण में लिखा, क्या लिखा कि प्यार की जीत कैसे हुई। हाँ।
सपना कुल सकार और अब पूरा अफसाना हो गया। आज समय पे दीवाना हो परवाना खो गया। आखिरकार तीनहू जने काशी अल दुल्हन और दूल्हा के रूप में बाबूजी फिर से मिलाप हुआ। सम्मान के साथ विवाह हुआ और मिलाप हुआ। जब मिलाप हुआ तो सुहाग रात यह रात की बड़ा बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे। कबहू तक बाबूजी चाहे जितना बूढ़ा जब भुलात वही के बाद कभी ये लिखलन सुहाग रात हो का। आई है सुहाग रात वाली पवन बेलाम केवल दो जिस्म नहीं दो दिलों का हमेलाम। और मानो कि साज सपना सुहाना हो गया। आज समा पे दीवाना हो परवाना खो गया। ये सुहाग रात की जो पावन बेला है दो जिस्म का मेल नहीं होता दो दिलों का भी मिलन होता। जो दो थे एक हो गए और जब एक हो गए तो वहां से दूसरे का काम खत्म हो जाता है। हम जिएंगे आपके लिए और आप जिएंगे हमारे लिए। यह पावन पवित्र रिश्ता होता है पति पत्नी का। अगर सच्चा प्रेमी है तो निश्चित है बाबूजी मंजिल मिलती है। प्यार की जीत होती है और जीत हुई एक मित्र के बदौलत। कहानी यहाँ पे खत्म भई। आखिरी प्रमाण में गुघराने के परिचय। साधु बदलदास जगजीवन माया राम गुड़ गाए। सूरज पाल का जगरनाथ अवनी अंबर मुसकाए। फिजाओ में मकरंद घुल गया खिला संतोष कमल कवि गुरु शरण छावा में।